हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल लेजर थिंक टाइम में और मेरा नाम है गुरु कुमार सिंह। सो टुडे अगेन आई एम हियर विद अ वेरी न्यू एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू एंड दैट इज OSHA campaign which is running right now and you can check that out on their website also and that link is in description below, तो आप जाके चेक भी कर सकते हैं। सो ये जो campaign है false stop right stop false इन इंडस्ट्रीज, ये जो कंपेन OSHA चला रही है इसका मतलब क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें उन्होंने इंक्लूड किया है दैट आई एम गोना टेल यू टुडे इन दिस वीडियो। ओके, सो वॉच टिल द एंड टू नो द रियल बेसिक फैक्ट्स ऑफ दिस कंपेन। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस, आई विल टेल यू द स्टैटिस्टिक्स गिवन बाय BLS, ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स of US. So they do this survey all around the world. So what they find in 2016 that 991 incident happened all over the world in construction site, and most of them around 370 fatal accident happened just due to fall from height, which is very crucial ratio, right? And you will be surprised to hear this real fact that most of the fall from height which they got fatal incident that happened below 10 meters only. मतलब जो कम से कम हाइट से जब से ज़्यादा एक्सीडेंट्स होने के चांसेस हैं। हम कम हाइट को क्या मान लेते हैं कि यार कम हाइट पे है, इजीली से काम हो जाएगा, बट दैट्स नॉट ट्रू राइट। यू हैव टू बी very precocious when you are working out height, very crucial thing to do. So let's start. These are campaign of OSHA. What are the three components? As you have already been seen on the front page of the video, आपने पहले जान लिया है। So there are three components: plan, provide and train. Now what you have to plan to get the right equipment to the workers. राइट, सबसे पहले आपको प्लान करना है आपकी जॉब का, क्या काम करने वाले हैं, कितने हाइट पे काम करने वाले हैं, कितने लोग काम करने वाले हैं, प्लस उसमें क्या क्या इक्विपमेंट्स लगने वाले हैं। यू हैव टू आइडेंटिफाई। और सिंपल सा कहें तो वर्क परमिट, मतलब कहने का ये कि आपका वर्क परमिट सिस्टम इतना कंसिडरेबल होना चाहिए जो सारे आपके हैजर्ड्स को उसमें इंक्लूड कर लिया जाए और उनको मिटिगेशन के लिए तैयार किया जाए। सो सबसे पहले प्लान किया आपने आपकी जॉब का, क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए, कितने लोग चाहिए, क्या क्या काम होना है, वो आइडेंटिफाई किया। सेकेंड, आप आ गए आपके provide. Now provide the identified equipments which you have identified in your plan section. तो अभी आपको जो भी आपको स्कैफोल्डिंग्स देनी है, आपको लैडर देना है हाइट पे काम करने के लिए, आपको परमानेंट प्लेटफॉर्म्स देने हैं, लैडर प्रोवाइड करवानी है, जो भी आपको वहाँ पे देना है यू हैव टू प्रोवाइड राइट। एंड द थर्ड वन इज ट्रेन। नाउ ट्रेन योर एम्प्लॉय टू यूज दोज इक्विपमेंट्स बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम द वेरी वेरी लिटिल थिंग आई विल शेयर विद यू, मोस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन साइट और इंडस्ट्रीज दिस वेरी बेसिक कॉमन इंसिडेंट हैपेंड फॉल फ्रॉम scaffold. Most of the falls happen from scaffolds only, but scaffold was very good, built in a very good condition with a very trained crew, but फिर भी fall उससे होते हैं। क्यों? Because the crew was working on scaffold was not trained to use the equipment in the right manner. So you have to train your manpower also to use the equipment. अगर वो MEWP का use कर रहे हैं, चाहे वो scaffolding का use कर रहे हैं, चाहे वो any other किसी equipment का use कर रहे हैं, या अगर वो roofs पे काम कर रहे हैं, roof sheeting का काम कर रहे हैं, height पे painting का काम कर रहे हैं, तो दे शुड बी ट्रेंड इन यूज दैट पर्टिकुलर इक्विपमेंट्स। और OSHA ने इसके बारे में यूजर सेफ्टी ट्रेनिंग के बारे में बात कही हुई है, जिसकी रिक्वायरमेंट्स भी आप जान सकते हैं। इफ यू रियली वांट टू लर्न अबाउट ऑल दिस थिंग्स, सो यू कैन पिंग मी आउट एंड आई विल गिव यू द प्रॉपर इंफॉर्मेशन ऑफ सेम राइट। सो नाउ यू हैव टू ट्रेन योर मैन पावर और योर क्रू फॉर द सेम थिंग विच यू आर यूजिंग right. So these are the three components of this campaign. Hope this will help you out to stop falls on your site, guys. And if you want to learn more about this, so I am giving this link in my description, so you can download, and you can download this PPT also and other training material for this particular campaign. And if you like the video, give a thumbs up and share it with all other safety professionals out there. So be safe, live safe. Thank you so much.